हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनवायरमेंटल साइंस में आज की स्लाइड में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, तो क्या मतलब होता है इकोलॉजिकल पिरामिड का, व्हाट इज़ इकोलॉजिकल पिरामिड एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये टॉपिक भी इकोसिस्टम से रिलेटेड है, जिसमें हम ऑलरेडी एनर्जी फ्लो, फूड चेन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, किस तरीके से प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं अपने फूड के लिए, सर्वाइवल के लिए और एनर्जी फ्लो के लिए। ठीक है, तो ये पिरामिड भी यही रिप्रेजेंट करता है। आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, देखिए ये फिगर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, थर्ड लेवल कंज्यूमर और अपेक्स प्रेडेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसका मतलब क्या होता है और डेफिनेशन। एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ये एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, और अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे। इट वॉज गिवन बाय जी इवलिन हचिंसंस एंड रेमंड लिंडेमन। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज पिरामिड्स आर इन द शेप ऑफ एक्चुअल पिरामिड्स विद द बेस बींग ऑफ द ब्रॉडेस्ट विच इज कवर्ड बाय द लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल दैट इज प्रोड्यूसर्स। द नेक्स्ट लेवल इज ऑक्यूपाई बाय द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर एंड सो ऑन, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। Definitions of ecological pyramid. Ecological pyramid came into existence due to the famous scientists such as Charles Elton G. Evelyn Hutchinson and Raymond Lindman. ठीक है, it has numerous names like Eltonian pyramid, Charles Elton energy pyramid, trophic pyramid and food pyramid. तो all these terms are same. ठीक है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द फूड पिरामिड दैट इज सेम एज अ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिकल डिपिक्शंस या रिप्रेजेंटेशंस विच इज मीन टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे पानी है, वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, एंड दे आर शोइंग अ रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक। ठीक है, एन इकोलॉजिकल पिरामिड आर, देर आर थ्री टाइप्स इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तीन टाइप के होते हैं। अब देखिए ये फिगर, ठीक है, सबसे पहले हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में बात कर रहा हूँ मैं किसकी, प्लांट्स की। प्लांट्स क्या करते हैं, सन एनर्जी को रिसीव करके अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर के बाद जो सेकंड, प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं सारे हार्वीबोरस। ठीक है, जैसे कि डियर है, गोट है, ये क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। उसके बाद फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे कि लाइन है, ये डियर को खाते हैं, और फिर इस तरीके से ये पूरी चेन चलती रहती है। तो यहाँ पे दिखाया गया है एनर्जी लॉस्ट एज हीट। ठीक है, एनर्जी इनकी लॉस्ट होती है एज अ हीट। और इधर दिखाया गया है डिकम्पोज़र, जब ये एनिमल्स मर जाते हैं तो इनकी बॉडी में डिकम्पोज़र्स लग जाते हैं, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु या ऑर्गेनिज्म कह लीजिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो डेड बॉडीज़ होती हैं इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हैं। हालांकि ये उसको खाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अगेन वो पार्टिकल्स सॉइल में मिलके प्राइमरी प्रोड्यूसर तक पहुँच जाते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, देखिए डिकम्पोजर्स को फिर कनेक्ट किया गया है नीचे प्राइमरी प्रोड्यूसर से। ठीक है, सन एनर्जी फ्लो की गई है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में, और एनर्जी लॉस्ट होती रहती है इनकी, जो कि एरो के द्वारा रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन, अगर मैं बात करूं बायोडाइवर्सिटी की फॉर्म में, प्रेजेंट इन ईच ट्रॉफिक लेवल। एक ट्रॉफिक लेवल में कितने, जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं या पॉपुलेशन है,
ठीक है. द टर्म पिरामिड ऑफ नंबर्स वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द एल्टन इन 1972. दिस पिरामिड इज क्वाइट कन्वीनियंट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. काउंटिंग इज सिंपल टास्क एंड इट कैन बी डन ओवर द ईयर ऑफ डिटरमाइन द चेंज इन अ स्पेसिफिक इकोसिस्टम. ठीक है, तो हम जनरली हम क्या करते हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम बात करें तो जो पॉपुलेशन है इसको काउंट कर किया जाता है. अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल की बात करूं या किसी एक इकोसिस्टम की बात करूं तो अंडर द एनवायरनमेंट देयर मस्ट बी फोकस गिवन टू द पर्टिकुलर इकोसिस्टम एंड काउंट द नंबर ऑफ मेंबर्स और पॉपुलेशंस. पिरामिड ऑफ बायोमास. बिफोर वी टॉक अबाउट द पिरामिड ऑफ बायोमास लेट्स फर्स्ट नो अबाउट व्हाट बायोमास इज. वी कैन डिफाइन बायोमास एज द अमाउंट ऑफ पर यूनिट एरिया प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ लिविंग मटेरियल एग्जिस्टिंग इन अ इंडिविजुअल और अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं, कितने लिविंग बींग सर्वाइव्स कर रहे हैं, दैट इज बायोमास. ठीक है, सो दिस पिरामिड इंडिकेट द टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल. अ पिरामिड ऑफ नंबर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल एंड हाउ मच एनर्जी इज बींग पास्ड एट अ ट्रॉफिक. बायोमास कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स मोस्ट इज आइदर कन्वर्टेड टू लिविंग टिश्यू, कन्वर्टेड टू एनर्जी और रिमेन एज अ अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट. पिरामिड ऑफ एनर्जी देख लीजिए, जो फ्लो होती है प्रोड्यूसर से टेरिटरी कंज्यूमर की तरफ, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है. सबसे नीचे ग्रीन बॉक्स है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोड्यूसर्स को. प्रोड्यूसर से एनर्जी फ्लो होती है प्राइमरी कंज्यूमर्स में, ठीक है. प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी फ्लो होती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स में और सेकेंडरी कंज्यूमर से एनर्जी फ्लो होती है टेरिटरी कंज्यूमर्स में. तो इस तरीके से ये पिरामिड फ्लो करता है प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेकर टेरिटरी कंज्यूमर्स तक. पिरामिड ऑफ एनर्जी इज द ओनली टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड विच इज ऑलवेज अपराइट एज द एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज ऑलवेज अनडायरेक्शनल. ऑल्सो विद द एवरी इंक्रीजिंग ट्रॉफिक लेवल सम एनर्जी लॉस्ट इन टू. सो नेक्स्ट वन स्लाइड दैट इज बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग पॉइंट्स. दे शो द फीडिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट इकोसिस्टम. ठीक है, तो ये शो करता है कि अलग अलग इकोसिस्टम में जो फीडिंग है उसका क्या वे है, क्या प्रोसेस है. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म किस तरीके से सर्वाइव करते हैं अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है, और अलग अलग इकोसिस्टम में, तो वो शो करता है इकोलॉजिकल पिरामिड. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस यही है, द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड कैन बी एक्सप्लेन द शो फीडिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट इकोसिस्टम. चाहे मैं लैंड इकोसिस्टम की बात करूं या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करूं, ग्रासलैंड की बात करूं और एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करूं, ठीक है, तो ये फीडिंग सिस्टम को क्या है, रिप्रेजेंट करता है. कैसे प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर फीडिंग करते हैं और दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. सेकेंड वन है, इट शोज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र. ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है. कैसे एनर्जी वन कंपोनेंट या इनकी वन स्टेज से सेकेंड स्टेज में जाती है, सेकेंड से थर्ड स्टेज में पहुंचती है. ठीक है, तो जनरली हमने देखा होगा जो टेरिटरी कंज्यूमर्स होते हैं ये एनर्जी को रिसीव करने के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एनर्जी को रिसीव करने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड करते हैं, और जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ये एनर्जी को रिसीव करने के लिए और फूडिंग के लिए प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं. द कंडीशन ऑफ इकोसिस्टम कैन बी मॉनिटर्ड एंड फर्दर डैमेज कैन बी प्रिवेंटेड. बट नेक्स्ट वन है, वट आर द मेन लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. कौन कौन सी मेन लिमिटेशंस हैं. सो मोर देन वन स्पीशीज मैनी मे ऑक्यूपाई मल्टीपल ट्रॉफिक लेवल एज इन केस ऑफ फूड वेव. सो दिस सिस्टम डज नॉट टेक इन टू द अकाउंट फूड वेव्स. ठीक है, फूड वेव्स में क्या होता है, फूड वेव्स में सारी चीज़ें क्या है, आपस में एक तरीके से मिक्सअप होती हैं, कोई एक तरीके से फ्लो नहीं होता है फूड वेव में. ठीक है, फूड वेव में क्या है, एक प्रोड्यूसर बहुत सारे अदर जो लेवल्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं प्राइमरी कंज्यूमर्स की, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स बहुत सारे अलग लेवल से इंटरकनेक्टेड होता है. जैसे आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स ओमनीवोरस होते हैं, वो पेड़ पौधों को भी खाते हैं, यानी कि वो अपनी फूड के लिए और एनर्जी के लिए प्रोड्यूसर पे भी डिपेंड करते हैं और वो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे भी, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे भी डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो इससे क्या है, क्रॉस एक तरीके से चेन बन जाती है. तो
वो प्रॉपर शो नहीं करता इकोलॉजिकल पिरामिड, तो ये फर्स्ट इसका ये डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन है। द सेप्रोफाइट्स आर नॉट कंसीडर इन एनी ऑफ द पिरामिड्स इवन थो दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेरियस इकोसिस्टम। दीज पिरामिड्स आर एप्लीकेबल ओनली टू सिंपल फूड चेन, ठीक है, पिरामिड्स केवल सिंपल फूड चेन को शो करता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अगर मैं बात कर रहा हूँ फूड वेब की, तो पिरामिड जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ये फूड वेब को रिप्रेजेंट नहीं करता, विच यूजली नॉट टू अकर नेचुरली, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। एज दिस फिगर शोज, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं ये 100% दिखाए गए हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स 10%, 1%, 0.1%, 0.01%। तो दिस फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सेकंड फिगर है आप इसको भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिरामिड ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टेरिटरी कंज्यूमर्स। सो दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर फीडिंग, ठीक है, वो अपने फीडिंग के लिए सर्वाइव करने के लिए इंटर रिलेटेड है और इंटर डिपेंडेंट रहते हैं। तो जो पिरामिड है, इकोलॉजिकल पिरामिड है, ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है फीडिंग सिस्टम का और लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किस तरीके से वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। सो एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, जिसका कॉन्सेप्ट रेमंड लिंडेमैन ने दिया था और हटचिसन ने दिया था, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडे स्लाइड, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, जो कि फूड चेन और फूड वेब से रिलेटेड है, एनर्जी फ्लो से रिलेटेड है, डिफरेंट इको सिस्टम से रिलेटेड है। अगर आपको ये समझना है तो आप पहले एक टाइप्स ऑफ इको सिस्टम भी समझ लीजिए, जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, आप मेरी वो स्लाइड देख लीजिए, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन यू कैन अगेन डिस्कस। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टूडे सेशन, थैंक यू।